सर पहले तो आपके वो बहुत थैंक यू कि आपने जो एनिमेशन का इतना बढ़िया कंटेंट फ्री में दिया। ओके, आपको सीखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत? बहुत बहुत सीखने को मिल रहा है सर। ओके ठीक है। तो अभी बस सर आपने अभी क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या सीख रहे हो? जी सर मैंने अभी मतलब बॉडी मूवमेंट भी मेरे को उतनी आ चुकी है हाँ और वॉक साइकिल रन साइकिल ये भी आ चुका है। तो अभी मैं मतलब ओके सीन कैसे तैयार करते हैं तो उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा ओके ओके ओके, तो मतलब फ़ायदा हो रहा है ना, फ़ायदा मिल हूँ रहा है सर। ना? बहुत फ़ायदा हो रहा है, हाँ ओके ओके ओके। बहुत बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो इससे पहले आपने कहीं दूसरी जगह लर्न किया या सीधा लर्न मिशन को देखा? नहीं सर दरअसल बात यह है कि मैं एक दिन ना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था अच्छा तो मुझे ज्ञान बुक लर्निंग ऐप का उसका ऐड दिखाई दिया। हाँ तो उन्होंने मतलब ऑफर निकाला था कोर्स परचेज करने का, तो हाँ मैंने सोचा कि देखते हैं क्या चीज़ है ये एनिमेशन। वैसे तो मेरे को पता नहीं था कि कार्टून को 2D एनिमेशन बोलते हैं। अच्छा तो वो मैंने ऐड देखा तो उन्होंने कहा मतलब ऑफर निकाला था तो मैंने कहा एक बार ज्वाइन करके देखते हैं इसको। तो हाँ फिर एक बार ज्वाइन करके देखा तो उसमें मैंने कुछ क्लासे देखी तो उसमें मेरे को सही से समझ में नहीं आ रहा था। ओके तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे वॉक साइकिल 3/4 वॉक साइकिल सर्च मारा ओके हाँ तो आपका चैनल आया। हाँ तो फिर मैंने आपके चैनल की वो वीडियो देखी तो उसमें मेरे को प्रॉपर जो है सबसे पहले तो रिगिंग कैसे करते हैं प्रॉपर वो पता चला। ओके तो मैंने रिगिंग करना सीखा, उसके बाद जो है उसकी वॉक साइकिल सीख ली। मतलब अच्छा मेरे को आपके चैनल से ये रियल में पता चला कि हाँ 2D एनिमेशन रियल में होता क्या है। समझ गया मैं। ये सिंबल्स एनिमेशन है, ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं है, ये हाँ सिंबल्स सर एनिमेशन बोलते हैं, जैसे डोरेमोन छोटा भीम टाइप का, उस टाइप का। जी हाँ ओके ओके ओके, मतलब सीखने को मिल रहा है आपको जो भी वीडियोज़ आती है ना? बहुत सीखने को मिल रहा है सर बहुत। हाँ, हम लोगों का भी ये कोशिश रहता है कि अगर हम लोग कमा रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम 100 में से कम से कम 40% का नॉलेज तो मिले कम से कम कुछ तो आप लोगों को नॉलेज मिले। तो हमारा ये रहता है कि जो यूट्यूब पे कंटेंट आए तो वो उन लोगों के लिए जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को कम से कम कुछ तो मिले सीखने को, है ना? हाँ सर आपके चैनल पे वैसे बहुत काफ़ी बढ़िया कंटेंट है क्योंकि जो मैंने ज्ञान बुक लर्निंग ऐप का जो कोर्स परचेज किया था ना तो उसमें काफ़ी हद तक बहुत एनिमेशन मिसिंग थे। जैसे आपने जैसे ईटिंग का एनिमेशन बता रखा है वो उसमें नहीं था प्रॉपर वाला। और जैसे कि हाँ आपने रन का बता रखा है तो उसमें रन का एक भी एनिमेशन नहीं था। अच्छा हाँ तो मतलब और वो जैसे सीन कैसे कंपाइल करते हैं वो तो उसमें एक भी वीडियो नहीं थी। आपके चैनल पे तो मतलब प्रॉपर आपको वीडियो है। कंपाइल स्टेजिंग के बारे में पहली बार पता लगा होगा, हाँ पहली हाँ बार आपको? आपका आपका चैनल देख के मेरे को हाँ पहली बार पता चला था कि कंपाइलिंग स्टेजिंग क्या होता है। हाँ, बिना स्टेजिंग के तो एनिमेशन किसी काम का नहीं है, हाँ हाँ क्योंकि सर अगर आप को किसी चीज़ को स्टेज ही नहीं करोगे तो फिर कैसे भी स्टोरीज बनेगा, है ना? वो तो है हाँ ही। सर हाँ देव तो कुमार, आपके चैनल देव कुमार हाँ जी जी बोले। हाँ मनीष भाई मैं आपको ना काफी दिन से वैसे फॉलो कर रहा हूँ। ओके मैं ओके आपको सीरियसली बताऊँ ठीक है। हाँ और एक्चुअल में मैं एक ना चैनल मैनेजर हूँ 2D एनिमेशन में ठीक अच्छा है। हाँ जितने हॉरर्स के आपने चैनल देखे होंगे चाचा यूनिवर्स या डेथ स्टोरी वाले तो इन सभी का ना मैं मैनेज करता हूँ। एक्चुअल में चैनल मैनेज करता हूँ अच्छा कि चैनल अच्छा कैसे ग्रो होता है मतलब क्या है क्या कंटेंट डालने बढ़िया चाहिए बढ़िया एवरीथिंग। बढ़िया हाँ अब 2D को लेके ना अब कुछ चीजें हैं मतलब करेक्टर वगैरह ये चीजें मुझे ना ये चीजें पता नहीं था। एक्चुअल में मैंने ये सारे चीज सीखे आपके भी चैनल पे मैंने देखे हैं। तो अभी मेरा एक ये था कि आपने ना एक जिप फाइल भेज रखा है उसमें टेलीग्राम पे ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्योंकि मैं अब अपना ना खुद का चालू करना चाहता हूँ क्योंकि यार किसी के अंडर में रह के कितना हम काम कर पाएंगे वही बिल्कुल, चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपना शुरू है करो ना। काम के उसके जॉब के साथ। हाँ अब दिक्कत यह है कि जैसे करेक्टर फर्स्ट ही सबसे मेन पॉइंट है करेक्टर ही हमारे पास तो ठीक है। अब आपने उसमें जिप फाइल में दे रखा है काफी सारे करेक्टर्स हैं तो
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि फेस ना यूज करके, फेस तो मैं मान लो अपने से या फिर जैसे तैसे परचेज या कहीं से, मतलब अच्छा कहते हैं ना हाँ, मतलब आइडिया, आप आपको बॉडी यूज। आप ये कहना चाहते हो कि जो आपने करेक्टर दिया उसे मॉडिफाई करके मैं यूज़ करना चाहता अपना स्टोरी पे, ऐसा ना, हाँ मतलब बाल तो हेड बॉडी में वगैरह। यूज कर सकता हूँ हाँ हाँ कर मैं कह रहा हूँ सकते हो, फेस तो मान लीजिए, कर सकते मैं हो कर फेस सकते हो। तो नहीं, हाँ फेस तो मान लीजिए मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो ड्रीम टीवी जो है नीरज सर है, ठीक हाँ है हमारे जो, हाँ तो हाँ उनका है वो, तो मैंने इसलिए मैंने कहा मत फेस से तो कोई करो पंगा फेस, नहीं है। फेस को यूज़ मत करो, तो आप बॉडी यूज़ करो, कोई कॉपीराइट नहीं आता, ये आप भी जानते हैं, ठीक है, हाँ कोई कॉपीराइट नहीं आता। लेकिन हाँ पूरा यूज़ करोगे ना तो कुछ ना कुछ इशू होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं नहीं चाहता आपके चैनल के साथ बाद में प्रॉब्लम हो, ठीक है। हाँ अगर चलो हम फेस यूज करेंगे तो फेस कॉपीराइटेड होता है लाइसेंस वाइज ना, हाँ वही तो, तो वो नहीं वो दिक्कत कर तो जाएगा। दिक्कत कर जाएगा ना, मैं हमेशा बोलता हाँ हूँ ऐसा, है ना। और पता है हाँ क्या होता है, अब मुझे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि सर हमारे 2 लाख आते थे, बाद में प्रॉब्लम होता है जब चैनल को प्रॉब्लम आती है, तो फिर इसीलिए हाँ, मेहनत जब करना। ग्रो अप हो जाता है ना हाँ चैनल, जब यूट्यूब के इसीलिए नज़र में आ जाता है कि हाँ अभी ये अच्छा इनकम अर्न कर रहा है, तो चीज़ें भी ढूंढने लगता है वो, ये चीज़ें होती है। हमें जब बोलते हैं लोग कि सर जब आपका डेटा कुछ रहता है चोरी, तो हम क्या कहते हैं कि छोटा मछली को मारने से या पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग हाँ दस यही बारह लाख चीज़ है। कमाना लग जाओगे फिर देखो हम अपना रूप कैसा दिखाते हैं, फिर हमें हाँ दिखाना पड़ेगा, अब बिकॉज़ मेन बात हमारे है, डिज़ाइनर ने बनाया है वो चीज़, है ना। तो ये बेटर हाँ है अब कि जैसे पहले बेस्ट गलत स्टोरी, काम मत करो। हाँ बिल्कुल बोलिए हाँ आप। अब जैसे ये बेस्ट स्टोरी के हैं, इनके जो करेक्टर है आकाश भाई है हमारे, ठीक है, जिनका मैं ही मैनेज करता हूँ, ऐसे बेस्ट स्टोरी हो गए या हिंदी स्टोरी जितने भी हैं उनके चैनल, ठीक है, तो एक्चुअल में मैं काफी, मतलब कहते हैं ना कि चैनल को लेकर इंटरनली एक्सटर्नली या क्या होता है मोनेटाइजेशन से लेके ठीक है एवरीथिंग, ये चीजें पता है, बस कहते ठीक है। हैं ना कि उसके अंदर जो वीडियोस जो बनते हैं वो चीज मैं सीख रहा हूँ, ओके ओके वो ओके चीजें मैं सीख रहा हूँ एक्चुअल ठीक है में। ठीक है। हाँ और अब हाँ मैंने इतने सारे चैनल्स ग्रो करवाए, उनके मिलियंस काफी सारे चैनल्स हो चुके हैं आज के टाइम पे, बट वो हाँ ये कि मुझे क्या मिला, मुझे एक बेसिक सैलरी, कुछ इंसेंटिव, क्या देखो मतलब मैक्सिमम। आपको आप वैसे दीप जी आप एक्सपीरियंस हो, वैसे मैं किसी को भी कहता हूँ, चाहे वो मुंबई या दिल्ली या कोलकाता है, आप किसी के लिए भी काम करोगे ना, एक टाइम पे आएगा जो बॉस सोचेगा मैं 50,000 वाले बंदे को निकाल के 10,000 का बंदा रखूँ, एक टाइम आएगा, हाँ, है ना। ये चीज तो है। वो वक्त सबके लाइफ अब में आता है, बेटर है कि वो 50,000 कमाते कमाते ना आप साइड बाई अपना स्टैंड करो, ताकि उसके वो पे ना जीना पड़े सारे पे, है हाँ ना। उन्होंने उन्होंने यही दिमाग तो उन्होंने चालू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि दो तीन लोगों को हायर कर दिया, वो कह रहे हैं कि सिखाओ इन्हें आप, ठीक है, अब जो चीज देखो मैंने देखो 5 साल में सीखा है देव मैं जी उन्हें बात कैसे बात सिखा दूँ। हाँ बात ये है, बड़े बड़े जी कंपनी में ऐसा चलता है, अभी के टाइम पे कोको चाहे हाँ कोको टीवी का दौर देखो, उनका भी ये दौर चलता है, सबका सबका ये दौर चलता है, जब वो एनिमेटर को निकालना स्टार्ट करते हैं। बात ये होता है कि जब एक एनिमेटर 50,000 तक पहुंचता है किसी भी जॉब में आप देखोगे, तो वो सामने वाला निकालता है निकालता है कभी ना कभी, है ना। बड़ा कंपनी क्या होता है, बड़ा कंपनी में जब मैं बोलता हूँ कि बड़े कंपनी में जाके जॉब करते हो, तो बड़ा कंपनी कम से कम 5 साल जेल लेता है उसको, मतलब सामने वाले को। तो जब वो यस सर बड़ा कंपनी डूबता भी है ना, तो 5 साल वो डूबने में लगा देता है, बिना सैलरी के डूबने में लगा देता है। हाँ ये छोटा है। मोटा स्टूडियो क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा अगले दिन बोलता है भाई बंद है, कुछ नहीं हो सकता है, आपको पकड़वा देते हैं आपका लेटर, ठीक है। तो फिर आपके पास कुछ रास्ता नहीं बचता है, फिर 1 महीना घर पे बैठना पड़ता है, फिर से इंटरव्यू आता है। बेटर है कि खुद का भी शुरू करो, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे, यूट्यूब की दुनिया पे या फिर मुंबई में अभी जॉब नहीं है एनिमेटर का, 5 से 10 12 जॉब तो जहाँ तक मुझे सुनने को मिला कि वहाँ पे जॉब ही जॉब है, तो लोग वहाँ पे चाहिए लेकिन काम हाँ करने वाले चाहिए, है ना। वही है ब्रदर, ये है यूट्यूब एक समुंदर है हाँ और उसमें बहुत सारी छोटी सी मछली, बड़ी मछली, एनिमेशन, शार्क, ठीक हाँ है, हाँ बिल्कुल सारी चीजें है उसमें, ठीक बिल्कुल, एनिमेशन भी, है। एनिमेशन भी समुंदर ही है, डिफरेंट होता है, कार्टून बनाना एनिमेशन नहीं होता है, एनिमेशन में अलग अलग कैटेगरीज आती है जिसमें मनी बन सकता है, पैसा बन सकता है, बट सिर्फ इतना है कि एनिमेशन में आपको बस आपका अकॉर्डिंग काम आना चाहिए, मतलब सॉरी दूसरे के अकॉर्डिंग काम आना चाहिए जो क्लाइंट को चाहिए, है ना, जो उस बंदे को हाँ चाहिए। जैसे मैं दिल्ली चंडीगढ़ वालों को हमेशा मोटिवेट करता हूँ, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनो, क्यों बोलता हूँ, हाँ मैं मैं खुद जानता हूँ कि दिल्ली से ही हाँ हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि यार हाँ एक बंदा अगर यूट्यूबर नहीं बना तो कम से कम घर के लिए 50,000 तो कमाए, 40,000 तो कमाए, कम से कम उसका घर तो चले, मिनिमम कम है से कम। ना। तो अब हाँ कोई बंदे का काम खराब होता है और उस काम को लेकर मार्केट में घूम रहा होता है, नहीं मिलेगा तो अपने आप को बेस्ट करो, क्यों नहीं मिलेगा,
है ना। और हाँ ये तो है। मेरा जो आज का वीडियो आने वाला दूसरे चैनल पे मुनीश मेहता वाले पे, तो मैंने वही बताया कि कैसे अपना पोर्टफोलियो को रेडी करना है, क्यों मतलब कहाँ पे जाके अपलोड करना, ताकि आपको कंपनी खुद ढूंढे। ये तो आप जानते ही हो अगर आप जॉब में हो, है ना, तो ये तो जानते हैं। चलो हाँ ठीक है, दूसरों को भी मौका देते हैं, कोई पूछना चाहते हैं तो फिर शुरू करते हैं, आपसे भी आगे भी बात करेंगे, ठीक है, अभी भी कंटिन्यू करेंगे। जी जी बिल्कुल।